नमस्कार मित्रों, हम अब कैसे प्रोटोकॉल बनाए और कैसे ट्रीटमेंट करें। हमने एक जो लिखा था हमारे पास में कि प्रोटोकॉल का जो हमारा जो प्रोटोकॉल होगा उसमें पहला स्टेप जो होगा वो होगा सेल्फ पॉइंट, जो कि हमने कमांड पॉइंट के नाम से 60 कमांड पॉइंट लिखे है। नंबर दो का जो है वो है मदर एंड सन पॉइंट। तो मदर एंड सन पॉइंट में हमने इसका भी हमने चार्ट बनाए, ठीक है। तीसरा हमने लिखे मास्टर पॉइंट, जिसका भी हमने मास्टर पॉइंट का भी मैंने आपको बताया कि इनसाइड का जो मास्टर है, इनसाइड मास्टर पेरिकार्डियम और यांग साइड मास्टर जो है वो ट्रिपल वार्मर। और कंट्रोलर चौथे नंबर का जो पॉइंट, तीसरे नंबर का मास्टर है, सॉरी तीसरे नंबर का हमारा जो था वह सब्जुगेटर और एंटी सब्जुगेटर। तो इसका भी हमने चार्ट बनाया, इसका हमने ब्रांच लेवल का चार्ट बनाया। अभी हम एक चार्ट बना लेंगे बॉडी लेवल का, मतलब कुछ ट्रीटमेंट जो होते हैं जो बॉडी लेवल पे होते हैं और कुछ ट्रीटमेंट जो होते हैं वो ब्रांच लेवल पे होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि मसल पेन अगर है तो पूरे बॉडी में है, जॉइंट पेन है तो पूरे बॉडी में है, बुखार है तो पूरे बॉडी में है, तो उस जगह पे हमें बॉडी लेवल के चार्ट का यूज़ करना होगा। और किसी ऑर्गन में, पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ब्रांच लेवल। तो हमने चार्ट बनाया इसके पहले ब्रांच लेवल का। चार नंबर मास्टर था, पांच नंबर हमारा जो है वह कंट्रोलर। मैंने आपको कंट्रोलर में बता दिया हूं कि आप DU20 नंबर के पॉइंट को भी टच करके कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है ब्रांच लेवल का बना लिए थे ना, हमने जो चार्ट बनाया था पिछले बार वो है मदर पॉइंट का बनाया, हमने फाइव एलिमेंट्स के कमांड पॉइंट का बनाया जो कि सेल्फ पॉइंट है। उसके बाद हमने ब्रांच लेवल का बना लिया था, अभी हम एक बॉडी लेवल का चार्ट बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट सीखेंगे कैसे ट्रीटमेंट करना है। आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं पाएगा, आपको पढ़ाई करना ही होगा। एक चार्ट बॉडी लेवल का बनाते हैं, हम ऊपर नाम देंगे बॉडी लेवल, फुल बॉडी लेवल प्रॉब्लम। इसमें हम जो है सेल्फ वाला जो मेरिडियन है, जो हम सेल्फ में मेरिडियन चुनेंगे वह वाला मेरिडियन को ही गिना जाएगा। इसमें जो सन पॉइंट होगा, सन मेरिडियन होगा, इसमें हम मेरिडियन लेंगे, उसमें पॉइंट ले रहे थे, इसमें सन मेरिडियन लेंगे, कौन सी होगी, मदर मेरिडियन लेंगे, एंटी सब्जुगेटर मेरिडियन और सब्जुगेटर मेरिडियन मेरिडियन। जैसा कि हम यहां पर एक चार्ट बना के रखते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, यहाँ पे लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम को हमने मास्टर बनाया है यहाँ पर, तो इसलिए वो दोनों भी नहीं आएंगे, स्प्लीन एंड स्टमक,
लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये वाटर एलिमेंट है, ये मेटल एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है और ये फूड एलिमेंट है। तो पहला जो मेरिडियन लेंगे हम एलयू, एलयू मेरिडियन जो है सेल्फ मेरिडियन का सेल्फ पॉइंट लेंगे, है ना, किसी भी मेरिडियन का सेल्फ। एलयू मेरिडियन अगर है तो इसका 8 नंबर का पॉइंट जो है वह मेटल पॉइंट है। अब इसका जो सन पॉइंट होगा एलयू मेरिडियन का, एलयू मेरिडियन की सन मेरिडियन किडनी होगी और स्प्लीन मेरिडियन मदर होगी। एलयू मेरिडियन की एंटी सब्जुगेटर फायर होगा और सब्जुगेटर लीवर मेरिडियन होगी। तो इनमें के सेल्फ पॉइंट हमें लेना होगा, है ना। तो किडनी मेरिडियन का 10 नंबर का जो पॉइंट है वो इसका सन पॉइंट होगा। स्प्लीन का 3 नंबर का जो पॉइंट है, जो इसका अर्थ पॉइंट है, वो इसका मदर पॉइंट होगा। और हार्ट मेरिडियन का 3 नंबर का जो पॉइंट है, जो एंटी सब्जुगेटर होगा, वो फायर पॉइंट है। और लीवर मेरिडियन का 1 नंबर का जो पॉइंट है वो इसका वुड पॉइंट है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए समझाया हूँ, अब आगे हम फटाफट हमारा चार्ट बनाएंगे। लेकिन आपको लिखते समय आपके बुक में जब लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे हार्ट मेरिडियन लिया आपने दूसरा, इसका 8 नंबर का जो पॉइंट है, हार्ट मेरिडियन फायर मेरिडियन है, तो HT 8 नंबर का जो पॉइंट है वो फायर का पॉइंट है, इसका सेल्फ पॉइंट। सेल्फ हार्ट मेरिडियन का 8 नंबर का पॉइंट फायर एलिमेंट का सेल्फ पॉइंट है हार्ट मेरिडियन का। दूसरा जो है इसका, अब जैसे हार्ट मेरिडियन हमने लिया है यहाँ पे, तो इसका जो सन पॉइंट होगा वह स्प्लीन मेरिडियन का होगा, जो कि अर्थ मेरिडियन है। मदर पॉइंट इसका वुड मेरिडियन का होगा, जो कि लीवर मेरिडियन है। इसका एंटी सब्जुगेटर वाटर होगा, तो किडनी का पॉइंट आएगा। और इसका जो सब्जुगेटर है वो लंग्स होगा, तो वह आएगा इसका सेल्फ पॉइंट। तो हम इसको देखते हैं, अब आपने ऐसे लिखना है HT फायर सेल्फ पॉइंट। उसके बाद में इसका स्प्लीन का 3 नंबर का पॉइंट अर्थ पॉइंट है, सेल्फ पॉइंट, है ना। फिर बाद में लीवर का मदर पॉइंट, इसका लीवर है 1 पॉइंट, लीवर 1 कौन सा है, वुड मेरिडियन। हमने लिखा है ना कि फायर का सन अर्थ है, फायर की माता वुड है, हमने देखा था ना वो स्टोरी को। तो नेक्स्ट जो है एंटी सब्जुगेटर जो है इसका, वह KD 10 नंबर का पॉइंट, जो कि सेल्फ पॉइंट है। और एंटी सब्जुगेटर लंग्स का 8 नंबर का पॉइंट है, यानी मेटल पॉइंट है इसका। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है और सब जनों ने लिखना है। अभी मैं डायरेक्ट मेरिडियन लिखवाऊंगा। अब यहां पर तीसरी जो मेरिडियन है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का 8 नंबर का पॉइंट सेल्फ पॉइंट है। स्प्लीन का 8 नंबर का पॉइंट इसका सेल्फ पॉइंट है, ये जो कि सन पॉइंट है। लीवर 1 नंबर का पॉइंट इसका मदर वुड पॉइंट है। किडनी का 10 नंबर का पॉइंट इसका सेल्फ पॉइंट है, क्योंकि दोनों भी जो मेरिडियन है वो कौन सी है, फायर मेरिडियन है, इसलिए इसमें सेम ही आएगा, ध्यान रखना है आपने इस चीज का। स्प्लीन मेरिडियन जो है नेक्स्ट, स्प्लीन मेरिडियन का 3 नंबर का पॉइंट, आपने जो 60 पॉइंट अगर याद कर लिए तो ये सारे पॉइंट उसी में आपको आ जाएंगे, कौन सा पॉइंट कौन सा है। स्प्लीन का 3 नंबर का पॉइंट, इसका जो सन पॉइंट है वो लंग्स मेटल पॉइंट है 8 नंबर, इसका जो मदर पॉइंट है वो है HT 8 नंबर का पॉइंट, जो कि फायर पॉइंट है। इसका एंटी सब्जुगेटर वुड है, जो कि 1 नंबर का लीवर का पॉइंट है। किडनी 10 जो है वो इसका सब्जुगेटर पॉइंट। लीवर या वुड मेरिडियन है, इसका 1 नंबर का पॉइंट सेल्फ पॉइंट है, मतलब वुड पॉइंट है।
उड़ की, उड़ का जो सन है वो है फायर, तो हार्ट का 8 नंबर का पॉइंट है, किडनी का 10 नंबर का पॉइंट है, लंग्स का 8 नंबर का पॉइंट है और स्प्लीन का 3 नंबर का पॉइंट है। ये बाकी का जो बचा हुआ है इसमें का ये आपने कंप्लीट करना है सामने, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप। किडनी का 10 नंबर का जो पॉइंट है वह इसका सेल्फ पॉइंट है, इसका मदर पॉइंट लीवर 1 है, इसका सन पॉइंट लीवर 1 है, मदर पॉइंट लंग्स 8 है, इसका एंटी सब्जुगेटर स्प्लीन का 3 नंबर का पॉइंट है और इसका एंटी सब्जुगेटर हार्ट का 8 नंबर का पॉइंट है। उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वह यूरिनरी ब्लैडर का 66 नंबर का पॉइंट इसका मदर सन पॉइंट है, स्टमक का 36 नंबर का पॉइंट इसका सेल्फ पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 5 नंबर का पॉइंट इसका एंटी सब्जुगेटर पॉइंट है और जीबी 41 नंबर का पॉइंट इसका एंटी सब्जुगेटर पॉइंट है। अब क्यों है ये आपने लिखना है, एल आई वन मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ। एल आई वन जो पॉइंट है वह मेटल पॉइंट है, मेटल की माता, मेटल का सन वाटर है, तो वाटर का मेरिडियन यूबी है, यूबी का 66 नंबर का पॉइंट उसका अपना सेल्फ पॉइंट है, मदर का मेटल का जो माता है मदर है वह है अर्थ, अर्थ का यांग मेरिडियन स्टमक है जिसका 36 नंबर का पॉइंट अर्थ पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 5 नंबर का पॉइंट सेल्फ पॉइंट है, इसकी माता इसका इसका सन पॉइंट जो है वो स्टमक का 36 नंबर का पॉइंट है, इसका गॉल ब्लैडर का 48 नंबर का पॉइंट मदर पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर का 66 नंबर का पॉइंट इसका एंटी सब्जुगेटर पॉइंट है और LI1 इसका सब्जुगेटर पॉइंट है। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का 6 नंबर का पॉइंट सेल्फ पॉइंट है, स्टमक का 36 नंबर का पॉइंट इसका क्यू आ रहा है दोनों भी सरीके, ये भी जी बी 41 आएगा, ये भी यू बी 66 आएगा, ये भी LI1 ही आएगा, क्यों ऐसा? इसका ऐसा ही आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का ST36 आएगा और ट्रिपल आर्मर का ST36 आएगा, GB41 आएगा, UB36 आएगा, LI1 आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि दोनों भी जो मेरिडियन है वो फायर मेरिडियन है ना, इसलिए आएगा LI1। गॉल ब्लैडर का SI5 नंबर का पॉइंट इसका सन पॉइंट है, UB66 नंबर का पॉइंट इसका मदर पॉइंट है, LI1 इसका सब्जुगेटर पॉइंट है और ST36 इसका एंटी सब्जुगेटर पॉइंट है। दो मेरिडियन बची है हमारी, स्टमक मेरिडियन और यूबी मेरिडियन। स्टमक मेरिडियन का 36 नंबर का पॉइंट इसका सेल्फ पॉइंट है, जीबी मेरिडियन का 41 का है, हमने लिखा नहीं था यहाँ पे। ST36 नंबर का पॉइंट, LI1 नंबर का पॉइंट इसका सन पॉइंट है, SI5 नंबर का पॉइंट इसका सेल्फ पॉइंट है, गॉल ब्लैडर का 41 नंबर का पॉइंट इसका सेल्फ पॉइंट है, UB 66 नंबर का पॉइंट इसका सब्जुगेटर पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर का GB41 इसका मदर पॉइंट है, LI का लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पॉइंट इसका सेल्फ पॉइंट है, ST36 इसका एंटी सब्जुगेटर पॉइंट है और SI5 इसका एंटी सब्जुगेटर पॉइंट है। तो इस तरीके से ये हमारा चार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे इसका जो ट्रीटमेंट है उसको हम कैसे करना है वो समझेंगे। जैसा कि हम लेते हैं कि बॉडी लेवल का एक एग्जांपल लेते हैं, अब बॉडी लेवल ट्रीटमेंट,
मैंने आपको 12 मेरिडियन के 12 ये जो 60 पॉइंट है 60 पॉइंट का प्रैक्टिकली लोकेशन करके भी मैं वीडियो आपको डाल रहा हूँ। मतलब आपको किसी भी चीज़ का बहुत सारा सोचने वाला बात नहीं है, सिर्फ आपने उसको पढ़ना है। इसमें हम क्या लिखेंगे कि बॉडी पेन, बॉडी लेवल का जो पेन है, बॉडी लेवल का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। यहाँ पे पेशेंट आता है फुल बॉडी इचिंग, फुल बॉडी इचिंग। तो ये फुल बॉडी इचिंग वाला जो प्रोटोकॉल है इसको यांग मेटल सीडेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वह ड्राइनेस करता है और ड्राइनेस की वजह से इचिंग आती है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कौन से चीज से कौन सी चीज आती है। तो यांग मेटल जो है यह जो प्रोटोकॉल है या कॉन्स्टिपेशन में भी काम आएगा, कॉन्स्टिपेशन में भी काम आएगा, फिर ज्वाइंट पेन में भी काम आएगा। ज्वाइंट पेन भी ड्राइनेस वाली बीमारी है ना। तो क्या होगा इसमें, इसमें हमको लिखना पड़ेगा सेल्फ, सन और मदर पॉइंट। तीसरे नंबर का क्या है हमारा, एंटी सब्जुगेटर और सब्जुगेटर, मास्टर पॉइंट, कंट्रोलर पॉइंट। सेल्फ पॉइंट क्या होगा इसका, यांग मेटल मेरिडियन हमने लिखी है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सेल्फ पॉइंट क्या है, वन नंबर। लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी है, मेटल मेरिडियन है, तो इसका वन नंबर का जो पॉइंट है वह इसका सेल्फ पॉइंट है। इसको क्या करना पड़ेगा, सीडेशन करना पड़ेगा, तो यह सीडेट हो जाएगा। अब इसको आप बियोल मेरिडियन पर भी कर सकते हैं और बॉडी मेरिडियन पर भी कर सकते हैं, इसको आप कलर से भी कर सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट कलर होगा वो कौन सा होगा, हमने लिखा था लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे आप एक लार्ज इंटेस्टाइन का कलर है ब्लू और इसका अपोजिट, इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, फायर, तो फायर का कलर है रेड। रेड कलर लगाने से यह सीडेट हो जाएगा। इसका यहाँ पे हमने क्या किया, सीडेशन किया। तो यहाँ सीडेशन का पॉइंट कौन सा है, मदर पॉइंट हमको लेना पड़ेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मदर मेरिडियन कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर। क्यों, क्योंकि मेटल का मदर वाटर है। यूबी का 66 नंबर का जो पॉइंट है उसको हमको सीडेट करना पड़ेगा। ये कौन से कलर से सीडेट होगा, यह भी रेड कलर से सीडेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाटर को कंट्रोल कौन कर रहा था, फायर, है ना। फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में एंटी सब्जुगेटर लेना होगा। एंटी सब्जुगेटर पॉइंट कौन सा है इसका, गॉल ब्लैडर। क्यों है, क्योंकि गॉल ब्लैडर इसका, गॉल ब्लैडर ऊड का है और मेटल को कौन कंट्रोल कर रहा था, ऊड कंट्रोल कर रहा था। तो गॉल ब्लैडर का 41 नंबर का सेल्फ पॉइंट है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी सेल्फ एनर्जी कौन सी है, लिवर ऊड की, ग्रीन, तो ग्रीन से यह टोन हो जाएगा। मास्टर जो है वो मास्टर हमको कहाँ लेना पड़ेगा, मास्टर पॉइंट कौन सा लेना पड़ेगा, ट्रिपल वार्मर का मास्टर पॉइंट। ट्रिपल वार्मर का सेल्फ पॉइंट कौन सा है, ट्रिपल वार्मर 6। इसको क्या करना पड़ेगा, हमने पहले को जो किए थे वही हमको इसको भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीडेट। कौन से कलर से सीडेट होगा यह, ब्लैक कलर से। इसका कंट्रोलर कौन सा है, DU20। क्या करना पड़ेगा, इसको टोन करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट देना पड़ेगा, यहां पे रेड कलर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से यह कॉन्स्टिपेशन हमारा कंप्लीट होगा सभी बीमारियों के। इसमें सेल्फ पॉइंट को हमने सीडेट किया तो इसके मदर पॉइंट को भी सीडेट करना पड़ेगा। सिर्फ जो हम सब्जुगेटर और एंटी सब्जुगेटर जो लेंगे उसको इसका अपोजिट होगा। ये टोन है तो ये सीडेट होगा, ये सीडेट है तो ये टोन होगा, और बाकी फिर सेम होंगे। मतलब 5 पॉइंट में से
चार पॉइंट सेम होंगे और एक पॉइंट उसका अपोजिट होगा। तो सभी जो बीमारियां होती है, ऑल डिजीज, सभी बीमारियां में सभी एलिमेंट होते हैं, सभी एलिमेंट होते हैं, हमको लक्षणों से कौन सा एलिमेंट बिगड़ा है यह पेशेंट टू पेशेंट समझना होगा, तब ट्रीटमेंट कर सकेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि यह प्रोटोकॉल सभी को काम में आ जाए, आपको पेशेंट टू पेशेंट भी समझना पड़ेगा कुछ चीजें। उसी तरीके से हम दो तीन प्रोटोकॉल और बना के देखते हैं यहां पर। जैसे सन स्ट्रोक हो गया है। अब सन स्ट्रोक में आपका क्या हो रहा है, साथ में बॉडी पेन भी आ रहा है, बॉडी पेन भी है, साथ में बुखार भी है। सन स्ट्रोक और फीवर एक ही चीज़ हो गई ना, तो ये तीनों चीज़ में काम में आएगा आपको प्रोटोकॉल। क्या हो गया है, ये सन स्ट्रोक हो गया है, मतलब क्या हो गया है, क्रॉनिक है कि एक्यूट है, एक्यूट है मतलब यांग साइड का है। क्या हो रहा है, हीट को हमें सीडेट करना पड़ेगा, फायर को सीडेट करना पड़ेगा। तो इसका सेल्फ पॉइंट क्या होगा, सेल्फ पॉइंट यांग फायर मेरिडियन कौन सा है, एसआई का सेल्फ पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है एसआई का, 5 नंबर का पॉइंट। क्या करना पड़ेगा, इसको सीडेट करना पड़ेगा। सेकंड, इसको सीडेट किया तो हमको यहाँ कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, सन पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि सन पॉइंट सीडेशन पॉइंट है। सन मेरिडियन कौन सा है इसका, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, कौन सा पॉइंट है, 41 नंबर का पॉइंट है ना। देखो एस आई मेरिडियन कौन सा है हमारा, UB66। एस आई 5 नंबर का पॉइंट इसका सन पॉइंट, इसका सेल्फ पॉइंट है, और गॉल ब्लैडर जो है इसका मदर पॉइंट है, जो कि इसका गॉल ब्लैडर इसका यहां पे देखते हैं कि एसआई मेरिडियन का जो है मदर पॉइंट गॉल ब्लैडर है, और सन पॉइंट इसका स्टमक है। तो यहां पे हमको लेना पड़ेगा ST36 को हमें क्या करना पड़ेगा, सीडेट करना पड़ेगा। इसका जो सब्जुगेटर पॉइंट होगा, सब्जुगेटर या एंटी सब्जुगेटर दोनों में से एक लेना है, तो एंटी सब्जुगेटर कौन होगा इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का UB66 नंबर के पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, टोन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कोल्डनेस वाला मेरिडियन है और फायर बढ़ा हुआ है, तो उस पर हम क्या करेंगे, कोल्डनेस बढ़ाएंगे तो हीट कम हो जाएगा। इसका जो मास्टर पॉइंट है वह ट्रिपल वार्मर का 6 नंबर का पॉइंट है, क्या करना पड़ेगा, सीडेट करना पड़ेगा। और इसका जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर जो है वो क्या है, DU 20 नंबर का पॉइंट सीडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कलर से भी ट्रीटमेंट देखा था, तो इसको भी क्या करेंगे, सॉरी DU को क्या करेंगे, ब्लू करेंगे या रेड, ब्लू या ब्लैक करेंगे। तो यहाँ पर फायर मेरिडियन है, इसका रेड कलर है, इसका अपोजिट कलर कौन सा है, ब्लू है, तो यहाँ ब्लू कलर लगाएंगे आप। यहाँ पे सन पॉइंट स्टमक मेरिडियन जो है वो स्प्लीन मेरिडियन है, और इसका
जो कलर है वह येलो है सिल्फ कलर, तो इसका अपोजिट कलर जो होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा। सब्जुगेटर का यूवी कोल्डनेस वाला मेरिडियन है तो इसका सेल्फ कलर कौन सा है, ब्लैक है। ट्रिपल वार्मर हीट वाला मेरिडियन है, इसका कौन सा है, ब्लैक है। और डीयू को जो यहाँ किया है वही यहाँ पे करना है, ब्लू। तो इस तरीके से यह हमारा पॉइंट बनेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में और दो तीन प्रोटोकॉल बनाएंगे और हम फिर ब्रांच लेवल के भी एक दो ट्रीटमेंट देखेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।